शुरू करने से पहले आपको ये बता दूँ कि मैं अभी इस वक्त पंजाब में बैठा हूँ, जो कि मेरे कैंप से बिल्कुल सामने है। तो मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं इस जगह पे आते हुए। अलहमदिल्ला का खाना बहुत अच्छा है। कभी आप भी आएँ तो पंजाब होटल, जो वर्कर के सामने बिल्कुल आपको जो है सड़क क्रॉस करके आएँगे, तो उनका खाना, इनकी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं, आप ट्राई कीजिएगा। और अगर आएँ तो हमारा रेफरेंस दीजिएगा, अगर आपको मौसम भाई मिलेंगे, अच्छा खाना प्रोवाइड करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कुछ ही टाइम के बाद। ये कोई होटल की प्रमोशन नहीं, ये मेरा हदूस और मेरी मोहब्बत है इनके साथ। तो मैं आता हूँ तो मैं फिर इनका इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ। अभी आज वो काम में बिजी है, मौसम अभी नहीं आ सकता, लेकिन हम अपना खाना स्टार्ट करते हैं, नाश्ता शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आओ जी, बिस्मिल्लाह जनाब। थैंक यू। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआओं से एकदम बढ़िया हूँ। तो आज नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ चुका है। दाल चना और चिकन और पराठा और एक चपाती। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। कैंप में दाखिल हो चुके हैं, अपने रूम में तकरीबन पहुंच चुके हैं। तो आज चाय होटल से नहीं पी, आज चाय खुद बना के पिएगी, आज अपने हाथों से बना लेंगे विदाउट शुगर।
कल सामान लेकर आया था वो अभी आपको दिखाता। ये तकरीबन 3 मन है टी पैक, ये अदरक का चाय, हरी का चाय, ये टी पैक जो है बने हुए, तो ये है अपना प्योर वाइट शुगर। अपने पास है एमरजेंसी रखनी पड़ती है क्योंकि रात को उधर तो कोई चांस नहीं होता बाहर होटल पे जाने का, तो उसके लिए फिर अपने पास अर्जेंट अगर भूख लगे या चाय के साथ कुछ खाने को दिल करे तो फिर अपने पास